अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा टूल शेयर करने लगा हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप लोग विद इन सेकेंड आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग के ऊपर जल्द से जल्द बहुत ज्यादा आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। ये टूल आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है और इसका फायदा क्या है, ये वाकई क्या SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट प्रोवाइड करता है कि नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे वीडियो में बताने लगा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है तो ताकि आप लोगों को कोई भी स्टेप मिस ना हो सके और आप आसानी के साथ एक अच्छा SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल जनरेट कर सके और अपने ब्लॉग को जो है गूगल में रैंक कर पा सके। तो आए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर। जी दोस्तों, अब आप लोगों के साथ मैं टूल शेयर करने लगा हूँ। तो ये टूल कौन सा है, वो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों ने अपने ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है eisuoutline.com। ये टूल है, यहाँ पे आप लोग अमेजिंग कंटेंट निकाल सकते हैं अपने ब्लॉग ब्लॉग के लिए, किसी भी किस्म की वेबसाइट। आप लोगों ने करना क्या है कि देखिए, यहाँ पे ये आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। SEO टाइटल भी प्रोवाइड कर रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी निकाल के दे रहा है, आर्टिकल आउटलाइन भी निकाल के दे रहा है, ऐसा LSI कीवर्ड्स भी आपको दे रहा है सर्च वॉल्यूम के साथ, और FAQs भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इमेज सजेशन भी देगा कि आप लोगों ने इमेज कैसे बनानी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आपने टाइप करना है। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे इंटर करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कीवर्ड इंटर करता हूँ लैपटॉप, कोई लैपटॉप कर लें, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आप इंटर कर लें और क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर लें। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा, ये जो है विद इन सेकेंड जो है आपको कंटेंट निकाल के देगा। यहाँ पे देखें, कंटेंट जो है वो निकल आया है। सबसे पहले SEO टाइटल इसने प्रोवाइड किए हुए हैं, 10 किस्म के जो है SEO टाइटल्स हैं। बाई द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू, द लेटेस्ट इनोवेटिव लैपटॉप, और इसी तरह ये 10 आप लोगों को SEO टाइटल दे दिए हैं। इनमें से कोई भी आप टाइटल जो है सेलेक्ट करके अपना कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा इसने मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दी हुई है, 5 बेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन जो है इसने ऑटो पे ही जनरेट किए हैं इन्हीं टाइटल्स के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, गेट द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट लैपटॉप टू सूट योर नीड, शो नाउ फॉर द बेस्ट लैपटॉप डील्स। तो यहाँ पे इसने हैशटैग भी यहाँ पे शो किए हुए हैं किसके साथ कौन सा हैशटैग आपने यूज करना है। तो 5 मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दी हुई है, उसके अलावा आर्टिकल की आउटलाइन भी यहाँ पे दी हुई है। ये देखें, इंट्रोडक्शन है, क्लीनिंग आउटसाइड लैपटॉप, और ये सारा इसने प्रोवाइड किया हुआ है भी इसने कंक्लूजन तक। LSI कीवर्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं कि लैपटॉप के सर्च वॉल्यूम कितना है, नोटबुक इसके साथ है, अल्ट्रा बुक है, मैकबुक है, गेमिंग लैपटॉप है, 2-in-1 लैपटॉप है, लैपटॉप बैटरीज और लैपटॉप एक्सेसरीज, प्रोसेसर, रैम, ये उसने 10 जो है LSI कीवर्ड के साथ दिए हुए हैं विद सर्च वॉल्यूम। और यहाँ पे FAQs भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, 10 FAQs आपको निकाल के दिए हैं जो बेस्ट है, आप इस कॉन्टेंट के साथ यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है इमेज सजेशन जो है इसने दी हुई है कि आपने किस तरह का इमेज जो है इसके ऊपर बनाना है। जो फीचर्ड इमेज होती है जो पोस्ट के ऊपर शो होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि आई कैच इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने सजेशन भी दी हुई है कि क्लोजअप ऑफ लैपटॉप कीबोर्ड विद, तो ये देखिए, ये सारी सजेशन इसने दी हुई है, 10 इसने सजेशन दी हुई है कि इमेज को किस तरह से बनाना है। आप किसी भी एक सजेशन को चूज करके उसको फीचर्ड इमेज जो है उसको जनरेट कर सकते हैं और आई कैच इमेज बना सकते हैं। तो ये टूल था, इस टूल के साथ आप लोग अपने आर्टिकल को SEO ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको ChatGPT पे जाके या किसी भी टूल से आप कंटेंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ChatGPT कोई सॉफ्टवेयर यूज करें तो वहाँ पे आप लोगों को टाइटल देना पड़ता है। तो यहाँ से कोई भी टाइटल आप लोग कॉपी करके उसके ऊपर आप लोग आर्टिकल निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला मैंने कॉपी किया है। तो वहाँ पे आपको ये चीजें तो दरकार नहीं होगी, आउटलाइन भी और LSI की बढ़िए, तो फिर आपको खुद जो है राइट करवाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको टाइटल के अकॉर्डिंग जो है वो निकाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मैंने ये एक्सटेंशन की हुई, तो मेरे पास ये सारे जो है कीवर्ड मौजूद है, स्क्रिप्ट जो है मौजूद है, और यहाँ से कोई भी जो है आर्टिकल का स्क्रिप्ट आप लोगों ने मिसाल के तौर पे मैं ये वाला लेता हूँ और यहाँ पे इस टाइटल को पेस्ट करता हूँ, तो ये मुझे इसके इस टाइटल के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। ये देखिए ये मुझे अब इस टाइटल के अकॉर्डिंग निकाल रहा है। जो वहां पे आउटलाइन निकली थी वो ये नहीं बताएगा, लेकिन हमने जो टाइटल वहां से कॉपी किया हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से मुख्तलिफ जो है इसने कंटेंट जो है निकालना शुरू कर दिया। ये लैपटॉप दिखा रहा है सूस का, और इसी तरह ये फर्दर आप लोग ऐसे से करके जो है वो कंटेंट निकाल सकते हैं। तो ये वेबसाइट है SEO AISEOOutline.com, और इसको आप लोग ओपन करें, इस्तेमाल करें। ये अभी नई साइट है, अभी ये फ्री भी है और पेड नहीं हुई, लेकिन जब तक पेड होती है तो आप लोग अपने ब्लॉग को जो है जल्दी जल्दी जो है आर्टिकल निकाल के अपने ब्लॉग पे पोस्ट करें और जल्दी से रैंक करवाएं। तो ये टूल आप लोग के साथ जो है शेयर करना था, जो बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। फिलहाल आगे नहीं पता कब ये पेड हो जाए, तो इसी टूल के बारे में आप लोग शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।